व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन सिस्टम यू आर इंट्रोड्यूसिंग? लाइक यही जो कुछ चल रहा है ये तो तालीम है ही नहीं ना, इसको क्या कुछ बेटर वे में कर रहे हैं आप लोग, क्या थोड़ा सा मैं आपको बताएं इसके बताती बारे में। हूँ, थर में जिन बच्चों को मैंने तालीम दी, अल्लाह ने दिलाई, खैर मैंने क्या, लेकिन हमारी एनजीओ में काम कर रही है, वो लोग बगैर चप्पलों के कमीज पहनते थे लड़के, क्योंकि पजामे और चड्डी के उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो लंबी कमीजें, एक दिन मैंने उठा के ही देख लिया, मैंने कहा तुम लोग चड्डियाँ नहीं है, कपड़े नहीं है, ये कैसे घूम रहे हो? उनके पास चड्डियों के शलवारों के पैसे नहीं थे, 5 साल का बच्चा, 7 साल का, 10 साल का, लंबी कमीजें, बाप की पहन ली, बहन की। अब वो लोग वही बच्चे स्कूलों में हैं, टाई के साथ हैं, आप देखिए हमारी वेबसाइट पे इंग्लिश में बात करते हैं, दो टीचर हैं, सुबह मदरसा होता है, सुबह 2 घंटे मदरसा होता है, उसके बाद साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, जो भी हमारे नॉर्मल डे रूटीन की चीज़ें वो पढ़ते हैं, हमारे सारे स्कूल प्राइमरी स्कूल्स हैं, और वो बाकायदा अच्छी तालीम हासिल करते हैं, खाना फ्री, किताबें फ्री, एजुकेशन फ्री, खेती बाड़ी कोई नहीं करता हमारा, हमने कहा नो खेती बाड़ी, आप इनको पढ़ाएं, इनको शहरों में लेके जाएं, दे डोंट स्पीक सिंधी एट ऑल, आई सेड इंग्लिश बोलो, उर्दू बोलो, सिंधी तो तुम्हें आती है, सिंधी बोल के कराची में ये कहाँ ओके, नौकरी मदर टंग मिलेगी, गया। मदर टंग है। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आप तकदीरें एजुकेशन से बदलें तो अल्हम्दुलिल्लाह, छठा स्कूल हमारा तैयार है, हमारा एक स्कूल है जो लेटेस्ट हमने खोला था इस्लाम कोर्ट में, बॉर्डर से 7 किलोमीटर दूर, उसका नाम मैंने रखा था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, इत्तफाक से जब हम स्कूल चला, ओपनिंग होने वाली थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की डेथ हो गई, वो बेचारा ही पास्ट अवे, सो उनकी मेमोरी के नाम से मैंने वो स्कूल खोला है। तो एजुकेशन इज द बेस्ट बेस्ट वेपन यू कैन गिव इट टू समबडी एंड देन ही विल नॉट बी नेवर बी अ बैगर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मूविंग जी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं कुछ पढ़ रहा था आपके बारे में ऑन दी वेबसाइट जिसपे आपने अपने अपने बारे में थोड़ा सा जी बहुत जी कुछ जी लिखा है वहाँ पर। जी वहाँ पे मैंने ये देखा कि आपने एक जगह पे ये थोड़ी सी अपनी जर्नी कोट करते हुए बताया कि आपने एक टीन एज में एक हाँ चैरिटेबल ओके ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी शुरू की जी थी, जी जी वो भी अपने पेरेंट्स से छुप कर या उन्हें बताए बगैर। बाहर सो थोड़ा सा उसके बारे में बताया हमें। मैं आपको पहले ये थोड़ा सा बता दूं, पहले भी शायद मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि मेरे घर वालों ने मुझे आज तक कभी टॉयज से खेलने नहीं दिया, मेरे घर वालों ने मुझे कभी चूड़ियां नहीं लाके दी, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सारे कपड़े नहीं दिए, क्योंकि उनको पता था कि हम देंगे ये किसी को देके आएगी। अच्छा तो मेरे पास एक कुत्ता होता था छोटा सा रबड़ का, तो उसका मैं कान चबाती थी, तो एक कान तो मैं खा चुकी थी और एक ही कान उसका रह गया था, तो उसी से मैं खेलती थी, और एक मेरे फादर ने मुझे गुड़िया दी थी, क्योंकि मेरी पता ही, मुझे अब लगता है कि ऐसा होता था बचपन में, मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए और किसी दूसरे को पसंद आ जाए, मैं कहूँगी ले लो, कपड़े हैं ले लो, किताबें हैं ले लो, चूड़ियाँ हैं ले लो, तो घर वाले मुझे बड़ा लिमिटेड रखते थे कि इसको पता है हम देंगे तो इसको ये देगी समहाउ। फिर मैं जब बड़ी हुई तो मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ, मैं जब मैंने मैट्रिक पास किया, मुझे डायमंड की रिंग मिली बहुत महंगी तरीन, फिर मुझे टीवी मिला, मुझे पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें मिली, तो मैंने आधी से ज़्यादा लोगों को दे दी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ उन चीज़ों का, ना मैं गैस का बिल पे कर रही हूँ, ना बिजली का, घर फ्री, हर चीज़ फ्री, अननेसेसरी। जब मैंने वो चीज़ें दे दी तो दूसरे दिन घर के बाहर वो औरतें वगैरह जो थी मशीनें सिलाई वाली, वो घर के बाहर आ गईं, तो अम्मी ने मुझे बहुत मारा कि ये तुमने क्या किया, ये घर के बाहर कौन आ गया, मेरी पिटाई भी बड़ी सख्त हुई, अब्बा से भी डांट पड़ी कि तुमने ये क्या किया, कोई मूसा कॉलोनी जगह थी वहाँ पे कॉलेज के पीछे, मैं वहाँ जाके देख कर आ गई अपनी दोस्तों के साथ, उनको बाल किसी तरह पता लग गया, तो अम्मी ने मेरी बड़ी पिटाई की कि तुम वहाँ क्यों गई, गंदी जगह है, ये है वो है, और तुम अपनी चीज़ें देकर आ गई, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तो मुझे लॉक कर दिया उन्होंने कि मैं अब घर से बाहर नहीं जाऊँगी। तो वो पता नहीं उनकी दुआएं लगी, गरीब औरतों की, वो एक जज्बा था, जवानी थी, नया नया मैट्रिक किया था, वो जज्बा मुझे इतना आगे ले गया, तो मुझे इतनी खुशी हुई उनकी दुआओं की, तो फिर जब भी मैं सुबह उठती तो मम्मी कहती हूँ तुम्हारी फैमिली बाहर बैठी, पहले उनको सलाम कर लो, तो वो उनको थोड़ी बहुत वाह चीज़ें मैं देती जाती थी देती जाती थी। फिर एक दिन मेरी मम्मी कहने लगी, कह लगी जब तुम मरोगी ना तो हमें लगेगा तुम वहीं पे मरोगी, तुम सारा दिन वहीं रहती हो, शाम को आती हो, हम तुम्हें वहीं ढूंढने जाएंगे। तो वो पता नहीं कोई जज्बा था लोगों को देने का, लोगों की हेल्प करने का, लोगों की दुआओं लेने यू विल का, हैव फाउंड पीस इन पीस, दैट। एंड देन यू नो आई फील मुझे बड़ा सुकून मिलता है किसी की मदद करके, उसकी दुआएं लेके। फिर मैंने एक यहाँ पर लंदन कराची में एक आर्किड ऑफ ABC, आर्किड ऑफ ब्रिलियंट कल्चरल क्लब मैंने खोली थी, फिर अल्ताफ हुसैन और क्या कहते हैं MQM के झगड़े वगैरह शुरू हो गए थे, फिर काफ़ी हालात ख़राब हुए कराची के, दिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मुझे मुल्क छोड़ना पड़ा, मैं आई वॉज वेरी मच इन पॉलिटिक्स, फिर मैं लंदन चली गई, मैंने वहाँ पर पढ़ाई की, फिर उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई, देन बैक अगेन टू द NGO, तो ये सारा किस्सा हुआ बस। तो उसके बाद फिर एक प्रॉपरली मुस्लिम रोज वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाई, और फिर मैंने ये भी पढ़ा कि आपने बताया कि ये नाम जो है जब आपने एनजीओ बना ली थी तो आप नाम के लिए जो है वो थी कि नाम क्या रखना चाहिए, तो आपको अचानक हाँ से आपके ड्रीम में आया, इज इट ट्रू? दैट्स वेरी ट्रू। ऐसा हुआ कि जब मैंने पेपर सबमिट किए एनजीओ के, तो हमारे घर के पास इंग्लैंड में धमाके शुरू हुए थे, ओके पाकिस्तान के जो, हाँ वो जी तालिबान के जी जो, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ,
ओ मैंने कहा मारेंगे अब तो, ये एनजीओ रजिस्टर करेंगे नहीं, गवर्नमेंट नहीं करेगी, बिकॉज धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तानी इन्वॉल्व हैं, तालिबान इन्वॉल्व है, दहशतगर्दी शुरू हो गई है, सारे बॉर्डर से आ रही थी, एक दो तीन, और मेरे घर से तकरीबन 3-4 मील दूर, तो हमने कहा भूल जाओ तो एनजीओ करेंगे नहीं, ये सारे गए हम तो काम से। तो फिर मैंने पैकअप कर दिया, फिर मैंने अपने अकाउंटेंट से बात की, मैंने कहा जरा चेक तो करें क्या हुआ हमारे उसका कुछ काम का कुछ बना, कहला गया मैं तो बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ, आपने नाम ही नहीं दिया, मैंने कहा 2 दिन का टाइम दे, 1 दिन का टाइम दे। फिर मैंने उनको दिया था रोज मुस्लिम वेलफेयर दिया था, तो उन्होंने चेक किया क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड थी। तो फिर मैंने अल्लाह सुब्हान तआला से दुआ की, मैंने कहा अल्लाह क्या करूँ क्या करूँ, तो मुझे मैं ये नहीं करेगी मैं कोई बहुत ही रिलीजियस हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बेड के साइड पर एक एक पर्चा और एक कागज़ रख के सोती हूँ, ये मेरी आदत है। तो कभी कभी मुझे ख्वाब में काफ़ी चीज़ें मुझे आमद होती है, मेरी आँख खुलती है, मैं फ़ौरन लिख देती हूँ क्योंकि इंसान सुबह उठ के भूल जाता है। दैट्स अ थेरेपी, आई एम ऑल्सो अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। अच्छा, तो वहाँ पर ये थेरेपी बताई जाती है बेसिकली कि जब आप नींद से उठते हैं ना, इट्स कॉल्ड अल्फा, एक स्टेट होती है जी, तो उस स्टेट के अंदर जो है ना वो आपका कुर्ब जो है ना अल्लाह ताला से वो बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है। तो उसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्टली बताई जा रही होती हैं। वो थेरेपी है और इसके अंदर आप फौरन लिख लें तो वो जो चीज़ आप लिखेंगे ना उस वक्त वो आपको फिर बहुत काम आएगी। तो मैंने पता आंखें मेरी बंद थी लेकिन मुझे याद आ गया, एकदम से आया जैसे किसी ने मुझे आमद दी है मुस्लिम रोज वेलफेयर लिखो। अब मैंने कहा कौन लाइट खोल, मैं कैसे पहले कि मैं भूल जाऊँ मुस्लिम, आंखें बंद करके मैं लिखती गई, सुबह उठी तो मैंने लिखा हुआ था, आई सेड डन। मैंने फिर अपने अकाउंटेंट को दिया, उसने कहा ये पास हो गए। सो यू नो जब आप बिलीव करें, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, अल्लाह जब आप नेक काम करते हैं ना तो आपके साथ दो चीजें होती हैं, एक तो आपको अल्लाह सुब्हान तआला नेक लोगों से मिलवाता है, बिल्कुल, और अल्लाह गैब से मदद करता है, रास्ते ऐसे खुलते हैं जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। वल्लाह लाज़िम मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, अल्लाह मेरे बहुत करीब है, मैं जो चीज मांगती हूँ, जहाँ जाना चाहती हूँ, जो करना चाहती हूँ, अल्लाह मियाँ कर देता है। तो ये नाम मेरे ख्वाब में आया, फिर मैंने इसको रजिस्टर कराया। कुछ मंजर हमसे खो गए हैं, जैसे वक्त के चेहरे पे कुछ मुस्कुराते लम्हे कहीं छुप से गए हों, जैसे किताबों के सफ़ों में पिरोए कुछ लफ्ज अपने जुमले से मिट गए हों। बस्ते में था जो बचपन